मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मैं होमवर्क दी थी ना गुणा करने के लिए, किए हो ना? हाँ चलो बताओ तो, 3 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 3 दूनी 6 है ना, और 4 तिया 12। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए, हम लोग गुणा करना तो सीख गए, क्योंकि गुणा का मतलब बताई थी ना, गुणा का मतलब होता है बार बार किसी भी संख्या का बार बार जोड़ करना होता है। तो आज मैं एक और नया ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप लोग ना बिना पहाड़ी के गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, देखो ये है, ये क्या है, 3 गुणा 4। क्या लिखा है? 3 गुणा 4, तो 3 दिए है ना यहाँ पे, तो 3 आड़ी लाइन खींचेंगे, 1 2 3, 3 आड़ी लाइन और 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। हो गया, 3 आड़ी लाइन 4 खड़ी लाइन। अब देखो ये जो है ना, ये जो जहां पे 2 लाइनें मिली हुई हैं उसको हम ऐसे गोला कर देते हैं। हो गया, अब इस गोला को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? कितना आसान है ना ये ट्रिक, बिना पहाड़ा पढ़े हम लोग इसको बना लिए जी, है ना? अब कुछ बड़ा अंक लेते हैं, जैसे चलो 2 अंकों का लेते हैं, 12 गुणा 7 करते हैं। ठीक है, 12 गुणा 7, तो हम क्या करेंगे जी बताओ तो, 12 आड़ी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नौ, 10, अरे 11 और ये 12। ये हो गया 12 12 आड़ी लाइन, और खड़ी कितनी लाइन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हो गया जी, अब वही करना है। क्या करना है? जहां पे 2 लाइन मिली है वही पासे गोल कर देते हैं, ये बच्चों, ये आप लोग कर सकते हैं। लेकिन देखो, आप जब बड़े क्लास में जाओगे ना और एग्जाम का टाइम रहेगा, तो ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना? तो आपको पहाड़ा भी याद करते रहना है, ऐसा नहीं कि ये ट्रिक है तो इसी ट्रिक से हम बनाते रहें, है ना? पहाड़ा भी है, लेकिन बाई चांस अगर हम पहाड़ा भूल गए उसके लिए ये ट्रिक हम अपना सकते हैं। ये देखो, अब गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 कितना हुआ? 84 हो गया ना। देखो बड़े से बड़े, इसमें 2 अंक भी लेके हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जगह घेरेगा, इतनी सारी लाइन खींचने हैं, है ना? तो छोटे छोटे अंकों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छे से सीख गया ना, तो चलिए आपका होमवर्क ये है, ये पहला, ये होमवर्क है, इसको इसी लाइन के तरीके से बनाना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूछूंगी। थैंक यू।